हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यश क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में। हमने ऑलरेडी फ्रक्टोज के बारे में काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात कर लिया है कि फ्रक्टोज क्या होते हैं, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि हमने ग्लूकोज में डिस्कस किया था, वैसे ही हम इसमें फ्रक्टोज में भी चीज़ों पर बात करते आ रहे हैं। तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात कर लेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताएंगे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के कॉन्फिगरेशंस कैसे किए जाते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज के हम ओपन चेन स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, जैसा कि हमने ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर पर बात किया था, सेम चीजें ही रहेंगी, बस यहां पर एक दो ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, तो अभी वो आप सभी को मैं बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज चीजें लगभग सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉलिकुलर फार्मूला पर, ठीक है, कि हमारे पास फ्रक्टोज का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम यह बात जानते हैं कि अगर हम एलिमेंट का एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो हमारे पास ग्लूकोज है और फ्रक्टोज जो होता है, ठीक है, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज ऐसे लिखी है, द मॉलिकुलर, ठीक है, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज का जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो फ्रक्टोज का मॉलिकुलर फार्मूला है वो हमारे पास है C6H12O6, ठीक है। ये हमने ग्लूकोज के केस में भी बात किया था और यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही होता है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया है। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टी पर, ठीक है। और ये जो हमारे पास फ्रक्टोज का जो फार्मूला है, ये एक्चुअली हम एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा और वेट डिटर्मिनेशन के द्वारा पता करते हैं, ठीक है। यानी कि हम कार्बन, जैसे एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने कार्बन्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। देन उसके बाद हम उसका वेट डिटर्मिनेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब उससे पता चलता है कि कार्बन्स की कितनी संख्या है, कितने मात्रा में वह प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने मात्रा में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितने मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। देन अब हम पता करते हैं कि जो हमारे पास कार्बन है वह किस फॉर्म में, किस अरेंज तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में अब हम पता करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, तो हेडिंग दीजिए दूसरा और इसमें लिखिए प्रेजेंस ऑफ सिक्स कार्बन्स, ठीक है, सिक्स कार्बन्स इन स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कार्बन की संख्या है छः, वो हमारे छः वो कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने आप सभी को ग्लूकोज का जो केस समझाया था वही केस यहाँ पर भी है, इसलिए मैं फटाफट से चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि व्हेन, ठीक है, व्हेन फ्रक्टोज, ओके, व्हेन फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ, ठीक है, यह रिएक्शन करता है किसके साथ, रिएक्ट्स विथ, अगर यह रिएक्शन करता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे कि ऑन रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है,
इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, हम रेड फास्फोरस का उपयोग करते हैं, यानी कि रिडक्शन ही करेंगे। ध्यान रखिएगा ये भी एक प्रकार का रिडक्शन ही है, ठीक है। तो फॉर्म करता है फॉर्म करता है एनहेक्सेन, ठीक है। और जब एनहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है तो यह क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट यह बात इंडिकेट करता है कि क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट कि ऑल सिक्स कार्बन्स, ठीक है, आर प्रेजेंट, ठीक है, आर प्रेजेंट इन, क्या है, आर प्रेजेंट इन ए स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन, ओके। चीजों को साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आप रिएक्शंस को दिखा दीजिए कि हमारे पास C6H12O6 है, इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, HI, और यहाँ पर हम रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में यह करते हैं और साथ ही साथ कुछ हीट भी दे देते हैं। तो यह क्या होता है, यह रिड्यूस होते हुए, ठीक है, यह एनहेक्सेन का फॉर्मेशन कर ले जाता है, यानी कि CH3CH2, देन हमारे पास होता है CH2, देन हमारे पास आता है CH2, कार्बन्स की संख्या 6 होनी चाहिए, CH2 एंड यहाँ पर हमारे पास CH3, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एनहेक्सेन, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो 6 कार्बन्स प्रेजेंट हैं वो एक्चुअली एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये इस रिएक्शन के द्वारा ही हम बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, देन हम अपने अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। हमने यहां पर अभी देखा केवल इतना कि हमारे पास अगर फ्रक्टोज है, ठीक है, तो उसका हम मॉलिकुलर वेट डिटरमिनेशन अप्लाई करेंगे, तो इस वजह से हमें पता चलता है कि इसमें C6H12O6 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका रिडक्शन करते हैं HI के प्रेजेंस में, तो उसकी वजह से हमारे पास एनहेक्सेन फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब यहां तक तो हमारे पास प्रोसेस सेम है, ऐसे ही हम ग्लूकोज में भी कर रहे थे और फ्रक्टोज में भी कर रहे हैं, और सेम चीजें हमारे पास मिल रही हैं, यानी कि फ्रक्टोज के केस में भी हमारे पास यही था मॉलिकुलर फार्मूला। जब हम उसका HI के प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे थे तब भी हमारे पास एनहेक्सेन मिल रहा था। तो अभी साइंटिस्ट लोग यह क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि यह ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ठीक है। तो यह कैसे क्लियर होगा, अभी हम इस वीडियो के आगे चलते हुए बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो चीजें सेम है, ठीक है, क्या अगले प्रॉपर्टी में यह डिफरेंस हो जाएगा, आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये प्रॉपर्टी अभी डिस्कस किया, अब आइए बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो हमारे पास अगला प्रॉपर्टी यानी कि थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी, हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो 5 ही हैं या और कम है या और ज्यादा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, किस प्रॉपर्टी की सहायता से पता चलेगा, अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर होता ये है कि व्हेन, ठीक है, फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ, ठीक है, यह रिएक्शन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, यह एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यह जब रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ठीक है, ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 के साथ प्रेजेंस में जब यह रिएक्शन करता है तो यह क्या फॉर्म करता है, यह फॉर्म करता है फ्रक्टोज पेंटाएसिटेट, ठीक है। याद होना चाहिए, क्यों मैं कह रहा हूं याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी इसके प्रॉपर्टीज में समझ चुके हैं और उसी प्रॉपर्टी के द्वारा ही हम इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर पर बात कर पा रहे हैं। अगर हमें प्रॉपर्टीज ना पता होता तो हम इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर पर बात कभी नहीं कर पाते, ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसके रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। फ्रक्टोज पर अगर बात किया जाए तो पहले तो हमें पता नहीं है कि फ्रक्टोज का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल ये तो पता है कि C6H12O6 होता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं कि OH का हमारे पास 5 टाइम है, ठीक है।
तो हमारे पास ऑक्सीजन 6 टाइम होता है, तो ये हमारे पास 6 हो गया। हाइड्रोजन पर बात करते हैं तो 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 ही होता ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देते हैं, तो प्लस हमारे पास हो जाएगा 5 टाइम ही इसका भी उपयोग करेंगे, CH3CO का 2 टाइम्स एंड यहाँ पर O हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम ZN एनहाइड्रस ZNCl2 का हम उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो एनहाइड्रस जब हम ZNCl2 का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पर हमारे पास मिलता है C6H7 एंड यहाँ पर O रहता ही है, और यहाँ पर OH की जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या जाता है OCOCH3, ठीक है, का 5 टाइम्स आता है, प्लस हमारे पास क्या मिलता है 5 टाइम्स CH3COOH, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो पोर्शन टूटता है उसमें हमारे पास रहता है CH3CO, और यहाँ से OH आता है तो CH3COOH हो जाता है, और यहाँ पर क्या बच रहा है CH3COO बच रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है और वो इस प्रकार से रिएक्शन कर ले जाता है, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर यह जो हमारे पास फ्रक्टोज है, ठीक है, वह क्या कर रहा है, यहाँ पर फॉर्म कर रहा है फ्रक्टोज पेंटाएसीटेट, ठीक है, पेंटाएसीटेट का फॉर्मेशन कर ले जा रहा है, ठीक है। तो यहां से ये बातें पता चल रही हैं कि हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ओके। तो यहां पर आप चाहें तो, वैसे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा कि दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन फ्रक्टोज, ठीक है। चलो मैं यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं, दिस रिएक्शन, ठीक है, इंडिकेट्स दैट क्या इंडिकेट करता है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट इन इन फ्रक्टोज, ठीक है, ओके। यहां तक बातें समझ में आ चुकी हैं, तो अब बात करते हैं अपने चौथे प्रॉपर्टी पर। चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस पर बात कर लिया, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस पर, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि प्रेजेंस ऑफ फाइव नहीं, यहां पर हमारे पास ए कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फ्रक्टोज होता है उसमें एक कीटोन ग्रुप पाया जाता है, तो कीटोन ग्रुप किसका डेरिवेटिव है, कार्बोनिल ग्रुप का ही। तो हम पहले पता करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, ठीक है, जब कार्बोनिल ग्रुप होगा तो उसकी वजह से रिएक्शंस को भी शो करेगा, अगर कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा तो रिएक्शंस को नहीं शो करेगा, ठीक है, ये बातें तो हम सभी जानते हैं। अब जब अगर यहां पर कार्बोनिल ग्रुप होगा प्रेजेंट, अगर हम दिखा दे रहे हैं, तो हमें बात आएगी कि क्या इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, या फिर एमाइड्स है, या फिर और कोई भी हमारे पास हो सकता है जो कि कार्बोनिल ग्रुप के डेरिवेटिव्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसे भी हमें चेक करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अभी एक एक करके, तब चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या मैं कर रहा हूं कि जब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप ही चेक करना है तो चीजें लगभग सेम रहेंगे, सेंटेंसेस हमारे पास सेम रहेंगे, ठीक है। अब सेंटेंस बना लीजिएगा खुद से, क्योंकि ग्लूकोज में भी मैं बताया था कि आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज अगर हमारे पास है, ठीक है, तो C6H12O6, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूं, हमें प्रूव करना है कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप मतलब हमारे पास CHO ग्रुप, सिंपल सा लॉजिक है। तो इस वजह से यहां पर कार्बन्स की संख्या यहां पर कितनी बचेगी, 5 बचेगी। यहां पर अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन 1 आया था तो यहां पर 11 बचेगा, ऑक्सीजन 1 आया है तो यहां पर भी 5 मिलेगा, ठीक है, बस हम उसी को डिफरेंट तरीके से बस लिख दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका हम HCN से रिएक्शन करा देंगे, वैसे फेनिल हाइड्राजीन का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वो वाला आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जब हम HCN से रिएक्शन कराते हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हमारे पास यहां पर फॉर्म होता है C5 लिख दे रहा हूं, C5 यहां पर H11 एंड O5, ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास मिल रहा है CH, एंड यहां पर हो जाता है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है और साइनाइड आयन जो होता है वह कार्बन से जुड़ जाता है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास CN हो गया। तो इस वजह से हमारे पास क्या मिला, फ्रक्टो साइनोहाइड्रेट, ठीक है,
या फिर फ्रक्टोनोनाइट्राइल भी कहा जा सकता है। ओके, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास ये फ्रक्टोज है, ठीक है, एंड जब इसका हमने HCN के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर हमारे पास मिला फ्रक्टोनोनाइट्राइल, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस आप लिख ही लेंगे कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्म्स फ्रक्टोनोनाइट्राइल, और फिर उसके बाद लिख लीजिए कि दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, ठीक है, या जो रिएक्शन है यह इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज, ओके एक मिनट, यहां पर क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज हैज अ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, इसके पास क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये बातें हमने यहां से देखा। तो अभी आप लोग क्या करें, इतनी चीजों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब सवाल उठ रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप के तो काफी सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, अभी आप लोग शायद ना पढ़े होंगे, अगर आप लोगों को इंटरमीडिएट का याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं याद है तो हम आगे चलते हुए बात करते हैं, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर्स में बताया जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप के काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, और उसमें मेन डेरिवेटिव तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ही होता है, उसके बाद हमारे पास और भी साइड डेरिवेटिव्स आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं एंड हमारे पास एस्टर्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है ना, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अब चलिए इसके इरेज करने की बारी आ चुकी है। तो अब इसके बाद हम जानते हैं कि अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो अब कार्बोनिल ग्रुप के अंतर्गत कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, क्या एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो इसी पर ही दोनों चीज़ों में बात कर लिया जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एक्चुअली एल्डिहाइड का ही डेरिवेटिव होता है, आई मीन डेरिवेटिव ना कह सकते, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, वैसे अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेरे शब्दों को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर, अब आइए प्रूव करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ठीक है। तो आई थिंक हमने 1, 2, 3, 4 प्रॉपर्टी पर बात कर लिया, बात करते हैं 5वें प्रॉपर्टी पर, तो प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ए कीटो ग्रुप, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस पर भी बात कर लिया जाए, आइए बात करते हैं। तो कीटो ग्रुप के प्रेजेंस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंस के लिए हमने देखा था कि ब्रोमीन वाटर से हम रिएक्शन करा रहे थे, सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास प्रोसेस होता है, ठीक है। सेंटेंस लिख लीजिएगा कि व्हेन फ्रक्टोज इज ऑक्सीडाइज विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर आप लिख सकते हैं ब्रोमीन वाटर, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रक्टोज होता है वह हमारे पास रिस्पॉन्ड नहीं करता है, यानी कि कह सकते हैं कि C6H12O6 अगर यह फ्रक्टोज है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कीटोन ग्रुप पर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर C5H11 और O5 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास CHO हो गया, ठीक है, ओके, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे कर लीजिए CO, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 11 है वो 12 हो जाएगा, और इसका जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो यह कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कीटोन होता है, कीटोन ग्रुप जो होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने यह देखा कि हमारे सभी प्रॉपर्टीज ग्लूकोज के ही एकदम सिमिलर हैं, लेकिन केवल एक प्रॉपर्टी एक ऐसा है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। अगर यह भी प्रॉपर्टी सेम हो जाता तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक्चुअली एक ही मॉलिक्यूल हो जाते, ठीक है, खैर उस पर हम बात नहीं करने जा रहे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन
इंडिकेट्स दैट, ठीक है, इंडिकेट्स दैट कि हमारे पास जो फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज हैज अ कीटो ग्रुप, ठीक है, इसके पास क्या है, एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से ये बात प्रूव हुई। अब जब कीटो ग्रुप प्रेजेंस हमने दिखा दिया तो अब यहाँ पर तो कोई और ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है नहीं, हमने हाइड्रोक्सिल पर बात कर लिया, हमारे छह कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट चेन में हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख लिया, कार्बोनिल ग्रुप देख लिया और कीटोन ग्रुप देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी, यानी कि अब हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रक्टोज, या फिर आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, यह भी बात आप लिख सकते हैं। तो हमने अपने पहले प्रॉपर्टी के द्वारा देखा था कि इसमें C6H12O6 होता है, और दूसरे प्रॉपर्टी के द्वारा हमने देखा था कि जो हमारे कार्बन्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन में है, ठीक है। तो ये हमने अपने तीन कार्बन को लगाया, ये हमने चौथे कार्बन को लगाया, ये हमने पांचवे कार्बन को लगाया, ये हमने छठे कार्बन को लगाया, ठीक है। टोटल यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की संख्या पाँच है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं OH, यहाँ पर भी लिख लीजिए OH, एंड यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग OH, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया OH की संख्या पाँच। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और वह कीटोन ग्रुप एक्चुअली हमारे पास दूसरे कार्बन से प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर सी डबल ओ हो गया, ठीक है, आई मीन सी डबल बॉन्ड ओ हो गया। अब इसमें जो हमारे पास कार्बन है इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पर दो कार्बन आकर चारों वैलेंसीज पूरे हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास चारों वैलेंसी ऑलरेडी पूरा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन आकर ये वैलेंसीज को पूरा कर देंगे, ठीक है। Are you getting my point? चीजें समझ में आई। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के मन में सवाल उठा है तो अच्छी बात है, और नहीं उठा है तो आप लोग थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा अध्ययन करिए। आपके मन में यह सवाल उठना ही चाहिए कि सर आपको ये कैसे पता कि जो हमारे पास कार्बन है उससे, जो सेकंड कार्बन है उससे ही कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, मैंने तो कहीं नहीं बताया कि हमारे पास दूसरे ही, जो हमारे पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट है वो दूसरे ही कार्बन पर है, ये तो मैंने कहीं नहीं मेंशन किया। तो ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली किसी भी, जो मैं C6H12O6 लिख रहा हूं, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के केवल दो ही कंपाउंड नहीं होते, बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। इसी में ही हम मैनोज को भी रखते हैं, इसी में ही हमारे पास और भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिसमें केवल और केवल इतना ही डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर OH ग्रुप मैंने ऊपर के साइड दिखाया, तो कुछ ऐसे भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें यह OH ग्रुप नीचे की तरफ होता है, और उससे ही इसकी पूरी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। इसका हम पूरा नाम एक अलग देने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे कंपाउंड इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला केवल एक ही होता है, और वह फ्रक्टोज का यही स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। अभी यहां पर हमने केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर को बस जनरलाइज किया है, अभी इसमें हमने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया, इसमें हमने कॉन्फिगरेशन नहीं देखा है, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पर आप लोग प्लीज यह बात मेंशन कर लीजिए कि यह हमारे पास है फ्रक्टोज, ठीक है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है। तो आप लोग क्या करिए, फटाफट से आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम इसके कॉन्फिगरेशन पर अब बात करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने में टाइम बिल्कुल भी मत लगाइए, आप लोग चीज़ों को अडॉप्ट करने की भी कोशिश करिए। इनके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन सभी कंपाउंड्स पर हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बस आप सभी को इसके जनरल ओवरव्यू पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा भी और बात किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन पर, और वो भी किसके किसके कॉन्फ़िगरेशन पर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है तो मैं अभी इसे रेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या जानेंगे, हम यह जानेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है,
जो OH ग्रुप है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो एक्चुअली किस कार्बन से किस साइड जुड़े हुए हैं, ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्फिगरेशन का मतलब है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पर मैं आपको बस बता दूंगा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल नहीं जाने वाले हम लोग, बस आप लोग इतनी चीज़ों के बारे में जान लीजिए और वो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो कॉन्फिगुरेशन, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम ग्लूकोज के मॉलिकुलर फार्मूला पर बात करते हैं या ओपन चेन स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, अगर लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पिछले लेक्चर पहले देख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास 6 कार्बन्स होते हैं और वो भी एक स्ट्रेट चेन में जुड़े रहते हैं, तो 4, 5 और 6, छठे कार्बन से हमारे पास H2OH लगा रहता है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो CHOH लगा रहता है, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो CHOH होता है, यहाँ पर भी हमारे पास CHOH होता है, यहाँ पर भी हमारे पास CHOH होता है और यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है, ठीक है। अगर हम कीटोन पर बात करते हैं तो कीटोन में हमारे पास 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं, 3, 4, 5, 6, छठे कार्बन पर हमारे पास CH2OH होता है, पहले कार्बन पर भी CH2OH होता है और दूसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप पाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर CHOH एंड यहाँ पर हमारे पास CHOH रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ, अभी इसका हम कॉन्फिगरेशन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए हैं, तो अब यहाँ पर हम इसके कॉन्फिगरेशन पर बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, दूसरे कार्बन पर हमारे पास कीटोन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो अब इसके हम कॉन्फिगरेशन पर बात करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अगर हम ग्लूकोज के कॉन्फिगरेशन पर बात करते हैं तो ये हमारे पास CHOH रहेगा, दूसरा कार्बन जो होता है इससे जो HOH लगा है होता है तो इसमें OH हमारे पास राइट साइड में होता है और H हमारे पास लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ पर कार्बन, तीसरा कार्बन इससे जो OH ग्रुप जुड़ा होता है वो हमारे पास लेफ्ट साइड में होता है और यहाँ पर राइट साइड में हाइड्रोजन होता है, ये डिफरेंस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास OH एंड यहाँ पर H रहता है, ठीक है, एंड यहाँ पर फिर से हमारे पास कार्बन, OH एंड H, यहाँ पर हमारे पास CH2OH रहता है। 6 कार्बन हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इस प्रकार हमारे पास ग्लूकोज का कॉन्फिगरेशन होता है। अगर मैं इस OH को या इस OH को अगर मैं टर्न कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH लगा, मैं इसको क्या किया, रोटेट कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में यह OH यहाँ पर चला जाएगा या हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, तो ये ग्लूकोज नहीं रह जाएगा, ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इट मीन्स दैट कि एक ही मॉलिकुलर फार्मूला के एक से अधिक कंपाउंड हो सकते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हमेशा होगा, ओके, समझ गए। अब बात करते हैं कि हमारे पास कीटोन पर, तो यहाँ पर CH2OH पहले ही कार्बन से लगा रहता है, कार्बन से हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा रहता है तो इसका कोई डायरेक्शन है नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे कार्बन से OH ग्रुप लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन राइट साइड में लगा रहता है, फिर उसके बाद हमारे पास OH ग्रुप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में H, फिर हमारे पास OH ग्रुप लेफ्ट राइट साइड में और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, एंड देन हमारे पास CH2OH हो जाता है। कार्बन्स की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज का कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ये हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है, और ये हमारे पास है हमारा प्यारा फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए, मैंने इतने अच्छे से इन चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ पर हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, कहीं भी कोई अंतर नहीं है, 6 कार्बन्स हैं, 6 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन इसमें भी है, सेम यहाँ पर भी है, लेकिन केवल और केवल बस इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास अगर ध्यान दे दिया जाए तो ये हमारे पास जो थर्ड नंबर का कार्बन है वो भी सेम है, थर्ड नंबर से सिक्स नंबर के कार्बन पर, लेकिन पहला कार्बन और दूसरे कार्बन पर ही केवल डिफरेंस है और इसी वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी होता है वो सिमिलर ही पाया जाता है लेकिन फिर भी डिफरेंस पाया जाता है, और इनके ऑप्टिकल एक्टिविटी तो डिफरेंट होते ही हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम डी आइसोमर कहते हैं, इसको एल आइसोमर कहते हैं,
ओके तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होता है। अब अगले लेक्चर में हम इनके म्यूटा रोटेशन पर बात करेंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।